Hey, hello everyone, welcome back to my YouTube channel Study with Erica. So guys, आज हम करेंगे लास्ट पार्ट हमारे चैप्टर नंबर 12 का हाउ हैवी हाउ लाइट, जिसके आज हम लास्ट टू पेजेस पेज नंबर 147 एंड 148 कवर करेंगे. सो जल्दी से स्टार्ट करते हैं. ओपन योर बुक्स विद पेज नंबर 147 एंड ऑल्सो मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल. तो देखो, इस पेज पे आपको दिया हुआ है एम आई फिट और फैट. तो आपको एक चार्ट बताया गया है 6 to 10 ईयर्स ओल्ड के बच्चों का, कि उनकी क्या हाइट है एंड उनका क्या वेट है, जिससे आपको पता चलेगा कि आप बहुत मोटे हो या आप फिट एंड फाइन हो. सो जैसे 6 ईयर ओल्ड की हाइट है 3 feet 7 inch एंड उस बच्चे का वेट है 16 kg. 10 ईयर्स एज की हाइट है 4 feet 3 inch एंड उसका वेट है 23 kg. 6 ईयर, ये भी देखो 6 ईयर की थी एंड राबिया भी 6 ईयर की है. इसकी हाइट है 3 feet 10 inch एंड इसका वेट है 17 kg. विनीत 8 ईयर्स का है, जिसकी हाइट है 3 feet 11 inch एंड उसका जो वेट है वो 19.5 kg. आप देख रहे हो इनकी हाइट में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बट इनके वेट में डिफरेंस है ना. सो लास्ट है कविता. कविता 9 ईयर्स की है, जिसकी हाइट 3 feet 10 inch एंड है उसका वेट 20 kg. तो सिंपल सा ही आपको हाइट एंड वेट का एक चार्ट दिया हुआ है. ऐसे ही आपको भी अपने एक फ्रेंड्स का चार्ट बनाना है. यहाँ आप लिखोगे अपने फ्रेंड्स का नेम, उनकी एज, उनकी क्या हाइट है वो लिखोगे एंड उनका जो पर्टिकुलर वेट है, और आप उसको चेक करोगे किसकी कितनी हाइट एंड कितना वेट है. बहुत सिंपल सी एक्टिविटी है. जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल भी ली है मैंने, आप लिख सकते हो अपने सारे फ्रेंड्स का नेम, उनकी एज क्या है, फिर उनकी हाइट एंड उनका वेट. सिंपल सा था. हम चलते हैं अब हमारे नेक्स्ट पेज पर. नेक्स्ट पेज है हमारा पजल. 2 पजल्स हैं इसमें, एक मार्बल वाली एक ऑरेंजेस वाली. फर्स्ट ऑरेंज वाली स्टार्ट करते हैं. बहुत ईजी है, ध्यान से सुनना. यहाँ पे आपको नंबर 1, नंबर 2 एंड नंबर 3 तीन वेइंग स्केल दिए हैं, मैंगो, ऑरेंज एंड पपाया दिया, और ऊपर मेंशन किया हुआ है कि दोनों पपाया का वेट सेम है एंड जितने भी ऑरेंज यहाँ पे यूज़ किए गए हैं 3, 4, 5 जितने भी ऑरेंज है सबका वेट सेम है एंड आपको ये फिलअप्स में फिल करना है. सो सबसे पहले हम वेइंग स्केल फर्स्ट की बात करते हैं. फर्स्ट वेइंग स्केल में देखो क्या है, 1 मैंगो + 1 ऑरेंज, ये एक साइड पे है एंड दूसरी साइड पे क्या है हमारे 3 ऑरेंज एंड इन दोनों का वेट क्या है, इक्वल है. अब सपोज करो मैं यहाँ से एक ऑरेंज उठा दूँ, एक ऑरेंज माइनस कर दूँ और इधर से भी एक ऑरेंज काट दूँ, माइनस कर दूँ, तब भी बात सेम है, तब भी ये बैलेंस रहेंगे. इट मीन्स मैं क्या लिख सकती हूँ कि 1 मैंगो का वेट इक्वल है कितने ऑरेंज बचे यहाँ पे, 2 ऑरेंज के, है ना. तो हमें फर्स्ट वेइंग स्केल से क्या पता चला कि 1 मैंगो इज इक्वल टू 2 ऑरेंज, मतलब इसका वेट इक्वल है. सो अगर हमें कोई पूछेगा कि 1 मैंगो का वेट बताओ, तो हम बोल देंगे कि 2 ऑरेंज के इक्वल है. सो सेकंड पे चलते हैं, जिसमें हमारे सेकंड वेइंग स्केल में पपाया दिए हैं. यहाँ पे क्या है देखो ध्यान से, हमारे पास है 2 पपाया जिसका वेट इक्वल है 2 ऑरेंज + 1 मैंगो. अब हम पीछे क्या करके आए हैं, हमने अभी पीछे लिखा कि जो 1 मैंगो है ना वो 2 ऑरेंज के इक्वल है. सो अगर मैं इस मैंगो को उठा के यहाँ 2 ऑरेंज रख दूँ, बात तो सेम है क्योंकि 1 मैंगो का वेट 2 ऑरेंज के इक्वल है, समझ आया, तो वो बात तो सेम है. तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं बच्चे, हम यहाँ लिख सकते हैं कि जो हमारे 2 पपाया हैं, उन दोनों पपाया का वेट 4 ऑरेंजेस के इक्वल है. 4 कैसे 2, तो ये हो गए एंड 1 मैंगो किसके इक्वल है, 2 ऑरेंज. सो 2 + 2 कितने ऑरेंज हो गए, 4 ऑरेंज. तो हमने दूसरी चीज़ क्या फाइंड करी, 2 पपाया का वेट इज इक्वल टू 4 ऑरेंज एंड हम 1 पपाया का भी निकाल सकते हैं, 2 4 के इक्वल है तो 1 किसके इक्वल हो जाएगा, 2 ऑरेंज के, है ना. इसको अगर मैं 2 दे दूँ और बाकी के 2 इसको दे दूँ, इक्वल ही होगा ना. सो हमने सेकंड से निकाला दैट 1 पपाया इज इक्वल टू 2 ऑरेंज. समझ आया, दोनों चीज़ें दोबारा सुन लो. जो आपका 1 मैंगो है, 1 मैंगो का वेट इक्वल है 2 ऑरेंज के एंड जो 1 पपाया है उसका वेट भी किसके इक्वल है, 2 ऑरेंज के. बस ये 2 हमने निकाले. अब हम चलते हैं हमारे थर्ड वेइंग स्केल के. थर्ड वेइंग स्केल में आपको दिया है 1 पपाया 1 मैंगो और आपको ये फिल करना है. अभी देखो हमने पीछे क्या लिखा था कि 1 पपाया किसके इक्वल है, 2 ऑरेंज के, 1 मैंगो किसके इक्वल है, 2 ऑरेंज के. तो इसकी जगह इसके सामने हम लिखेंगे 2 ऑरेंज एंड मैंगो के भी 2 ऑरेंज एंड 2 + 2 टोटल कितने ऑरेंज बन गए, 4 ऑरेंज. सिंपली हमारा आंसर आ गया कि 1 पपाया एंड 1 मैंगो इज इक्वल टू 4 ऑरेंज. और आपको ये डायग्राम भी बनानी है, वहाँ पे 4 ऑरेंज बनानी है, ठीक है, समझ आया. तो ये था बैलेंसिंग ऑफ वेट, जिससे हम हमारे वेट को बैलेंस कर रहे थे. सिंपल सी पजल थी.
लास्ट पजल पे चलते हैं और चैप्टर को फिनिश करते हैं, दैट इज फाइंड दैट मार्बल। आपको तीन मार्बल पीसेस दिए गए हैं यहाँ पे, येलो ब्लू एंड पिंक। देयर आर थ्री मार्बल ऑफ सेम साइज। अब ये साइज सेम है पर इनका वेट सेम नहीं है। आपको क्या करना है, वन मार्बल इज स्लाइटली हैवियर और लाइटर देन अदर टू। इन तीनों में से ना कोई भी एक मार्बल या तो दोनों से हैवी है या बाकी के दोनों से लाइट है, पर हमें नहीं पता कौन सा है। तो सिंपली बच्चे आप क्या करोगे, एक वेइंग स्केल लेके आओगे ऐसे वाला, या जो हमने कल किया था ना वेइंग स्केल से के साथ, जो अभी हम उसके साथ कर रहे थे एप्पल पपाया एंड मैंगो का, ठीक है। तो यहाँ मैंने रखा मार्बल नंबर वन, तो पहले इसको लेट कर लेते हैं, इसको पहले लेट कर लेते हैं, जस्ट वेट अ मिनट, यहीं पे कर लेते हैं। देखो ये है मार्बल नंबर वन, ये है मार्बल नंबर टू एंड ये है मार्बल नंबर थ्री। सबसे पहले हम क्या करेंगे, मार्बल नंबर वन को एक साइड पे रखेंगे वेइंग स्केल की और दूसरी साइड पे मार्बल नंबर टू को रखेंगे। अब देखो दो ही चीज़ें होंगी, इन दोनों में से एक हैवी होगा एक लाइट होगा या दोनों इक्वल होंगे। अगर तो दोनों इक्वल हैं तो मतलब मार्बल नंबर थ्री ही वो मार्बल है जो इन दोनों से हैवी या लाइट है। अगर इन दोनों में से टू वाला मार्बल हैवी है, नीचे हो जाता है स्केल, तो वन वाला आएगा। अगर वन वाला नीचे हो जाता तब टू वाला आएगा। सिंपल, आपको कुछ नहीं करना, एक वेइंग स्केल लेना है, तीनों को बार बार रख के देखना है, वन और टू को रखो, फिर उसी वेइंग स्केल पे टू और थ्री को रखो, फिर उसी वेइंग स्केल पे वन एंड थ्री को रखो। तो जो भी मार्बल ज़्यादा नीचे जाएगा, ज़्यादा या हल्का होगा, वही हमारा मार्बल होगा जो हैवी या लाइट है बाकी दोनों से, क्योंकि इनमें से कोई भी एक कॉम्बिनेशन ऐसा होगा जो इक्वल है, क्योंकि उन्होंने बोला है ना तीनों में से दो मार्बल इक्वल है एंड जो तीसरा है वो इन दोनों से भारी है या हल्का है। तो जिस भी सिचुएशन में आपके इक्वल आ जाएगा उन दोनों को छोड़ के तीसरा मार्बल आपका आंसर हो जाएगा। तो सिंपल सी ये छोटी सी पजल थी, ठीक है। सो यहाँ हमारा ये चैप्टर फिनिश होता है। कल हम स्टार्ट करेंगे हमारा न्यू चैप्टर फैंसीज एंड फार्म्स, जिसके फर्स्ट थ्री पेजेस पेज नंबर 149, 115, 151 कवर करेंगे उस क्लास में। इस क्लास में कोई डाउट हुआ यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। आई विल सी यू सून विद द नेक्स्ट वीडियो इन द नेक्स्ट चैप्टर। टिल देन टेक केयर एंड बाय।